Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to give my review on the movie Chalk and Dust. This movie was released in the year 2016 and I'm going to talk about this movie in a detail. But before that, welcome you all to my channel. चौक और डस्टर को डायरेक्ट जयंत गिलर्टर ने किया था और इस मूवी का जो बजट था वो 5 करोड़ था। इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी दैट वाज जस्ट 1 करोड़ था। आई डू एग्री, हमारे इंडिया में सोशल इश्यूज पे अगर एक फेमस पर्सन नहीं है तो उसको देखना लोग पसंद नहीं करते। जैसे अक्षय कुमार हो गया, आयुष्मान खुराना हो गया, कुछ ये जो एक्टर्स हैं इनकी अगर मूवी सोशल इश्यूज पे बनती है, आजकल ये सोशल इश्यूज पे ही मूवी बना रहे हैं तो मूवी सुपर डुपर हिट हो गई। क्योंकि यार थोड़े यंग है, अक्षय कुमार इज़ नो यंग, आयुष्मान खुराना थोड़ा यंग है, थोड़ा पॉपुलर है लोग इसको अब। लेकिन अब जूही चावला है इस मूवी के स्टार कास्ट की अगर हम बात करें, जूही चावला, सवर्णा आर्य, दिव्या दत्ता, यह रिचा चेडर, जैकी श्रॉफ एंड मैनी मोर। तो यार जब जूही चावला, सवाना आदमी, रिचा चेडर, ये सब आते फीमेल से, फीमेल से फीमेल इस बोरिंग, यू नो, ऐसे एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है यार दिस मूवी इज़ गोइंग टू बी बोरिंग। तो एक ऐसा परसेप्शन जब खुद डेवलप हो जाता है तो लोग देखने नहीं जाते हैं। इसका रिजल्ट ऐसे, ये मूवी इज़ नॉट एन एपिक मूवी लेकिन उतनी बुरी भी मूवी नहीं है। दिस इज़ अ गुड मूवी, एक अच्छा मैसेज डिलीवर करती है। इसको तुम एक अंडर रेटेड मूवी, हमें वही है ना, हमें अच्छी मूवीज़ की आदत नहीं है। वी आर नॉट यूज टू विद गुड मूवीज, वी आर जस्ट हैप्पी विद 2 रुपीज़, कुछ भी दिखा रहे हो उसको हम देख के ही वाह यार बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बेसिकली कुछ होता नहीं है, तुम अपने आप को झूठ बोल रहे होते हो। एनीवे, इस मूवी की अगर हम बात करें तो एक अच्छा जैसे मैसेज देता है, यू नो व्हाट, वर्क पॉलिटिक्स किसी कॉर्पोरेट कंपनी में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो इस मूवी में वर्क पॉलिटिक्स एक स्कूल में दिखाया गया है, कैसे इस टीचर्स के साथ पॉलिटिक्स हो जाती है, या टीचर्स के साथ पॉलिटिक्स कर देते हैं और कैसे एक दूसरे की लाइफ को रियून करने पे लग जाते हैं। दिव्या दत्ता जो बहुत ही एक इम्पोस्टर पर्सन है, जो बहुत ही कनिंग पर्सन है, वो क्या करती है, यू नो, वो प्रोग्रेस चाहती है, मतलब वो अपनी लाइफ स्टाइल इन्हेंस करना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। तो वो क्या करती है, बहुत सारे, यू नो, कनिंग वे में चीज़ें प्ले करती है, मतलब हर चीज़ हर इंसान पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और 6 महीने बाद वो फाइनली प्रिंसिपल बन जाती है और जो इस स्कूल का जो फाइनेंसर होता है उसके साथ प्लान करती है कि इस मूवी, इस स्कूल को हम ये बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, हमारे स्कूल में भी रिच पर्सन आएंगे, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सही कर देंगे। तो बेसिकली एक मनी मेकिंग मशीन बनाने की कोशिश की जा रही थी, हम यंग डायनेमिक कम पैसे में हायर करके, और जो हमारे यहाँ ओल्ड पर्सन हैं उनको हमें सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ती है और उनकी प्रोसेस भी स्लो है, राइट। तो ये सब पॉलिटिक्स, ये सब घूमती रहती है इन सब चीज़ों में मूवी। ऐसे यार ऐसे इस चीज़ में, इस मूवी में टीचर्स की इम्पोर्टेंस को भी पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। ऐसे यार टीचर्स की इम्पोर्टेंस को हम नेगलेक्ट या इग्नोर या डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा हम कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो दिस इज़ नॉट लेस देन स्टूपिडिटी, इजंट इट, तो स्टूपिडिटी ही होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज के टाइम पे एक स्कूल एक बच्चे को पढ़ाना फ़ी कितनी हाई होती है, और मतलब जहाँ पे फ़ी हाई होती है तो वहाँ पे नॉर्मल बच्चे तो नहीं पढ़ पाए, वहाँ पे रिच प्रिविलेज्ड बच्चे ही पढ़ पाते हैं। और क्या होता है वहाँ पे, आज के टाइम पे स्कूल को एक, जैसे मैंने बोला कि पैसे बनाने की मशीन की तरह देखा जाता है कि यार बस थोड़ा सा सही कर दो, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड दिखाओ और पैसे अर्न करो। यार जैसे इस मूवी में क्या, सवाना आजमी जो चीज़ों को आसान भाषा में, ऐसे 3 इडियट मूवी में भी ये चीज़ मेंशन किया था, जैसे मशीन की डेफिनेशन किया था, तो आमिर खान ने बोला कि हम मशीनों से घिरे हुए, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम पैन की निब तक, फ्रॉम पैन एवरीथिंग, कैलकुलेटर, मोबाइल, यू नो, एवरीथिंग, वी आर सराउंडेड विद मशीन। तो डेफिनेशन क्या है,
तो हम एक डेफिनेशन जो बुक में लिखा जाता है उसको हम समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, डजंट मैटर, उसको बस वोमिट कर दो पेपर में या बोल दो तो लोग अप्लॉड करते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ कन्वे करने की कोशिश की गई है कि कोई चीज़ हम बता रहे हैं अगर वो समझ में ही ना आए तो क्या फ़ायदा है, राइट। तो ये जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर होते हैं, हाइपोटेनस होते हैं, बेस होते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स सेक एंड कॉट थीटा होते हैं। तो इन सब की जैसे साइन क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस होता है, राइट, हाइपोटेनस बाय एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनस होते हैं, राइट। तो और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होते हैं, और टेन थीटा होते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये सब चीज़ें अब जैसे आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने भी आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश की थी, राइट। अब यहाँ ये ऐसे वैसे इंग्लिश में बोल के, इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, इंडिया में इंग्लिश को ऐसा लिया जाता है कि इफ़ यू नो इंग्लिश यू नो एवरीथिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज एज लाइक एनी अदर लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ, लाइक हिंदी है, भोजपुरी है, गुजराती, हरियाणवी, सो एक लैंग्वेज है यार। इट्स जस्ट लाइक कि हाँ थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, थोड़ा सा लगता है यार वाओ इज स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन जो मान लो इंग्लैंड है, यूएस है, वहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो मदर टोन है और हमारी मदर टोन है हिंदी। तो हम हिंदी में अगर ऐसा यू नो व्हाट, अगर ऐसा हम बोलता है, हिंदी बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं फटाफट हिंदी, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है हिंदी बोलने में, क्यों, क्योंकि मेरी मदर टोन है एंड आई एम टोटली प्राउड फॉर दिस, आई मीन आई डोंट हैव एनी शेम फॉर दिस, अरे यार मैं हिंदी बोल रहा हूँ, नो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ शेम, इट्स मैटर ऑफ प्राउड, राइट। तो ये सब चीज़ों को भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। लास्ट में एक क्या होता है कि ज्योति होती है, जो जूही चावला होती है, वो एक पैशनेट टीचर है और इसके बहुत सारे कलीग्स होते हैं, सवाना आदमी में इसकी कलीग है, तो वो मैथमेटिक्स पढ़ाती है, तो वो भी एक आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश करती है, जैसे लाल बटे कक्का दिस और दैट करके। तो वो उसको जो, क्योंकि दिग्गज होता प्रिंसिपल बन चुकी है, तो बोलती है ये क्या ओल्ड फैशन तरीके आप पढ़ा रहे हो, आज के बच्चों को मॉडर्न तरीका इंग्लिश में चाहिए, मतलब इंग्लिश में बोल के बताओ, ये सब नहीं चलेगा जिस, तो उसको यू नो दिस काइंड ऑफ इग्नोरेंस के कारण उसको स्कूल से निकाल लेते हैं। तो जूही चावला को ये सही नहीं लगता है और उसके अगेंस्ट फाइट करती है, और लास्ट में क्या होता है कि इसके कारण समाज आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, एडमिट हो जाते हैं, जिस वक्त एक्ट चलता रहता है, फिर लास्ट में कंपटीशन होता है, देखते हैं अगर रियली में आप में टैलेंट है तो आप इस कंपटीशन को जीत के दिखाइए, और फाइनली वो जीत लेती है और प्रूव कर देते हैं कि माई वे ऑफ टीचिंग इट कुड बी पॉसिबल है, ओल्ड हो सकता है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। तो हमें इफेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे मतलब यूजली यही होता है यार कि हम इंग्लिश मतलब हम समझ नहीं रहे, सिर्फ डेफिनेशन एक बुक में लिख दिया गया है, क्या है डेफिनेशन, हमने एक रोल तोते की तरह रख लिया है और एग्ज़ाम में वोमेंट कर देते हैं और नंबर ला देते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें उससे नॉलेज नहीं हो पाती है। आज के टाइम पे इतने सारे जो बीटेक है, सो कॉल्ड बीटेक है, क्यों है, क्योंकि वो जस्ट टू पास और जस्ट टू क्रैक एन एग्ज़ाम इज़ नॉट अ बिग डील, आफ्टर दैट एक सर्टिफिकेट भी आ जाती है जिसको हम डिग्री कहते हैं, बेसिकली वो एक कागज़ का टुकड़ा है, एज लॉन्ग एज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो इसके कारण आज के टाइम पे जो इंजीनियर्स हैं वो कॉल सेंटर में वर्क करते हैं, क्यों, दे डोंट हैव नॉलेज, एंड बहुत लोग उसके एजुकेशन को लेके पैशनेट नहीं, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, अगर तुम्हें लगता है कि यू आर नॉट गुड फॉर आई मीन यू डोंट वांट टू स्टडी, इट्स फाइन दैट यू स्किप इट, इंस्टेड चूज लाइक तुम्हें मान लो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ये है, तो उस चीज़ पे तुम अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो। ये हमारी सोसाइटी में भी एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम है, इसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। ऑफकोर्स टीचर्स की जो प्रॉब्लम होती है इस मूवी में दिखाई गई है, जो वैलिड भी है राइट टू एग्री, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि टीचर जैसे पेरेंट्स, अरे चलो पढ़ो पढ़ो, हमेशा वी आर बम्बार्डेड विद स्टडी स्टडी, एग्ज़ाम, हाफ ईयरली, ईयरली सेशन टेस्ट,
दिस टेस्ट, ट्यूशन टेस्ट, क्लास टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, वी आर बॉम्बार्डेड विथ इंफॉर्मेशन, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। हमारे शुरू से ही मतलब बचपन से ये चीज़ बम्बार्ड किया जाता है और उसको ही हम रियलिटी मानते हैं और अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, रॉन्ग डिसीजन के शिकार हो जाते हैं, रॉन्ग एरिया में हम चले जाते हैं, रॉन्ग कोर्स को हम परस्यू कर लेते हैं, फाइनली इसका रिजल्ट जीरो ही होता है, राइट। तो ये सब भी चीज़ें समझना, ये सब चीज़ें को भी एक टीचर्स को समझाना बहुत ज़रूरी, जस्ट यू नो कि एक जस्ट इंफॉर्मेशन को बम्बार्ड करना ही सही नहीं है। ऐसे टीचर्स की रिस्पेक्ट ऐसे हम करते भी हैं और करना भी चाहिए, लेकिन बहुत बार मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि बहुत टीचर बहुत ज़्यादा डिसहार्टनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार यू नो अब मान लो कोई बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन पूछे और कोई बच्चा नहीं बता पाया, तो उन्हें लगता है कि मैंने पढ़ाया इसको पता नहीं है। तो सर इट्स नॉट मैटर ऑफ डिसहार्टनमेंट, इट्स जस्ट मैटर कि ठीक है उसे पता नहीं था, वो नहीं पढ़ के आया, वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, तो उसमें इतना डिसहार्टनमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इस मूवी में ये सो नहीं हुई। एक और चीज़ है कि स्टूडेंट्स को ये समझाना ज़रूरी है कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करो कि क्या किस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, इंस्टेड जस्ट फ्लो विथ एवरीवन, फ्लॉक ऑफ द भीड़ की चाल चलने की जरूरत है। सो इस मूवी में यही मैसेज दिखाने की कोशिश की है, इस टीचर्स की इंपॉर्टेंस को पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई। दिस मूवी को कोई अवार्ड वर्ड नहीं मिला है और आई मीन मुझे सोशल इशू के लिए इसको अवार्ड मिल सकता था, एक अच्छा टॉपिक हो यू नो पॉइंट आउट करने के लिए। ऐसे इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जैसे मैंने बताया ये 1 करोड़ थी और इसकी जो बजट थी 5 करोड़ थी, इस सुपर फ्लॉप मूवी, अपना जितना पैसे लगे वो भी रिकवर नहीं हो पाई। तो यू नो सो हम यू वी आर नॉट यूज्ड टू विद गुड मूवीज, सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक माई videos so that you know it's a motivation for me so that I can make more and more good videos for you guys, for right, have a great day.